अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जो भी इसको देख रहे हैं, मैं पहले सेटिंग कर लें भाई, हम उसके बाद आते हैं आपके पास। मैं इस वक्त आपके सामने लाइव जा रहा हूँ विद एन इंस्पिरेशन रोमेला। रोमेला मीन्स को मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। लेट्स नो अबाउट हर, हु शी इज़। मैं पहले आपको सिर्फ उसका क्लोजअप दिखा दूँ। ये है रोमेला, ये है रोमेला की ना जिंदगी का सफ़र। तो चलिए जी, हम पूछते हैं जी रोमेला, आप रोमेला कौन है? रोमेला एक लड़की जो गांव से आई थी यहाँ पे अपनी जिंदगी को चेंज करने। तो आई एम बेसिकली फ्रॉम आज़ाद कश्मीर, और 2005 के जो नेचुरल डिजास्टर हुआ जिसमें कई लोग अपनी जानों से गए, फिजिकली डिसेबल्ड हुए, आई एम वन ऑफ देम। मेरी स्पाइनल इंजरी हुई और उसके बाद भी मैं अपनी फैमिली के साथ इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई अपने फर्दर रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी आके अपना रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कंप्लीट करवाया, फिर अपनी एजुकेशन रीस्टार्ट की। मैंने एमकॉम किया एज अ रेगुलर स्टूडेंट, और अभी नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इस्लामाबाद में अपना एक स्टार्टअप है, SMT सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग फॉर डिफरेंट एबल पीपल। तो उनके लिए मैं काम कर रही हूँ कि हम उनके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना और उनको ये बताना कि डिसेबिलिटी एक लफ्ज़ है जिसको हमने पूरे उसमें बना दिया है कि बस हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज़ करनी है कि किसी को फिजिकली चैलेंज, किसी को व्हीलचेयर यूज़र बोलना है। सो मैं उनको ये कहती हूँ कि इट्स अ डिफरेंट लाइफस्टाइल, आप इसको गुजारें एक मुख्तलिफ तरीके से। तो ये कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई ख़ास टर्म नहीं है, आप मुझे रोमेला कह सकते हैं, यू डोंट नीड टू से आई एम अ व्हीलचेयर या व्हीलचेयर पर्सन। तो इस तरह की चीज़ों को हम निकाल के उनको इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स। रोमेला बेटा, एक बात बताइए आप, और मैं आप लोग बाय द वे यू कैन ऑलवेज व्होएवर इज वाचिंग यू कैन पार्टिसिपेट इन इट। आपके सवालों के जवाब भी हम यहाँ पर लेंगे रोमेला से, ठीक है जी? आपके लिए भी, रोमेला के चैनल पर भी ये चल रहा है और हम तो अपना चला ही रहे हैं। रोमेला मुझे ये बताइए कि जब ये वाकया हुआ, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट, हाउ डू यू नो कि मैं मुझसे अल्लाह ने, और मैं यहाँ पर एक बात लाजमी बताना चाह रहा हूँ कि रोमेला से अल्लाह ने एक एबिलिटी लेके इसको बहुत सारी और एबिलिटीज दी हैं। एम आई राइट रोमेला? ट्रू, ठीक, यस बिल्कुल। सो जब आपने, जब आपको ये पता चला कि अल्लाह ने मुझसे एक एबिलिटी ली है, व्हाट वाज योर फर्स्ट थॉट, हाउ ओल्ड वर यू बाय दैट? आई वाज 16 एट दैट टाइम, और जब मैंने पहली दफ़ा अपनी टांगों को हाथ लगाया, मलबे से मुझे निकाला गया, तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे किसी और का जिस्म मेरे साथ लग गया हो। एक शॉक लगा मुझे कि ये क्या हुआ है, लेकिन मैंने अपने हवास को ख़त्म नहीं होने दिया। मैंने कहा अच्छा, अगर ये सिचुएशन है तो इसको आराम से डील करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। और इवन लोग वहाँ पे कह रहे थे कि ओ शॉक्स आएंगे, आप लोग ज़मीन के नीचे चले जाएंगे, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो मैं मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ शुरू से। आपकी मेंटल कैपेसिटी, आपकी विल पावर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है, मैं किस सिचुएशन से गुजरूंगी, मुझे नहीं पता था। मुझे लगता था कि एक चोट आई है, ठीक हो जाएगा। जब मैं UAE गई थी अलजजीरा हॉस्पिटल में अपने रिहेबिलिटेशन प्रोसेस के लिए, तो वहाँ पे मुझे जो डॉक्टर गैरिसन थे उन्होंने बताया था पहली दफ़ा कि रोमेला यू आर ऑन व्हीलचेयर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, एंड ही डिडंट यूज द वर्ड डिसेबिलिटी और ऐसा कुछ। उन्होंने कहा कि आप व्हीलचेयर पे आ गई हैं, लेकिन ये एक डिफरेंट लाइफस्टाइल है, आप इसको गुजार सकती हैं और बहुत आसानी से। जैसे आम लोग पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बहुत से लोग व्हीलचेयर पे भी हैं, कोई चलता फिरता भी व्हीलचेयर पे आ जाता है, कोई बाय बर्थ लोग होते हैं। तो मुझे उनकी बात अच्छी लगी, तो मैंने उनसे पूछा कि हाउ। तो उन्होंने मुझे कुछ बेसिक टिप्स एंड टेक्निक्स बताई थी, लेकिन वो सबसे पहली चीज़ जो मेरे दिमाग में आई थी वो ये थी कि अल्लाह ने मुझे इस चीज़ के लिए चुन लिया है, अब ये हो गया है, तो या तो मैं इसको बहुत अच्छी खूबसूरती से गुजारूँ इस ज़िंदगी को, तो या फिर मैं डिप्रेशन और नेगेटिविटी में रहूँ कि नहीं ये क्यों हो गया इस तरह से। तो आपके सामने कोई मुश्किल हालात होते हैं तो अल्लाह दो रास्ते रख देता है, एक आसान और एक मुश्किल होता है। आसान वाला बहुत जल्दी से क्रॉस हो जाता है, लेकिन एट द एंड आपके रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। तो मेरे लिए सामने जो रास्ता था मुश्किल था, क्योंकि अपनी फैमिली को साथ लेके चलना, उनको भी एक ऐसा बच्चा पहली दफ़ा फैमिली में हो तो वो उनके लिए मुश्किल होता है कि कैसे मैनेज करेंगे। तो अल्लाह का करम था, एक अपनी विल पावर थी, और मैंने माइंड में ये भी चीज़ बिठा ली थी कि ठीक है, जब तक मेरी कवर करती या कोई चांसेस होते टू बी एबल टू वॉक अगेन, तो क्यों ना उस टाइम तक मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट करूँ थ्रू माई एजुकेशन। तो मैंने अपनी तालीम वाला स्टेप लिया, तो उसके बाद भी मेरे अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी आना स्टार्ट हो गई थी। ये तो वो था जो रोमेला सोच रही थी, और जो रोमेला सुन रही थी
वो रोमेला के साथ क्या करना है, बिकॉज रोमेला ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली हमारे व्यूअर्स के लिए, क्यों, क्योंकि हम लोग जो देखते हैं और जो सुनते हैं वो बजाहिर नहीं एक्चुअली हम पे इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट करता है। सो वो जो लोग कहते थे रोमेला को ओए होए बड़ा बेचारी बेचारी, तो वो जुमले सुन के रोमेला को क्या लगता था? अच्छा मैं ना शुरू से ही बड़ा मेरा माइंड बहुत ओपन माइंडेड हूं मैं, तो मैं नेगेटिव चीजों को भी परसीव करती हूं, देखती हूं लोग कैसे बात करते हैं और पॉजिटिव को भी देखती हूं। और जब मैं गाँव वापस से आती थी तो मुझे कहते थे बेचारी इतनी छोटी सी एज में इसका पता नहीं क्या होगा, ये कैसे करेगी, अब तो भाइयों के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, फैमिली के ऊपर है। और फिर मैं जब एजुकेशन की बात करती थी तो बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स आते थे कि इसको देखो व्हीलचेयर पे है, ये पढ़ के क्या करेगी, दो साल के बाद मर जाएगी, व्हीलचेयर वाले तो जल्दी मर जाते हैं। तो मैं कहती थी अच्छा मतलब अगर उस डिज़ास्टर में अल्लाह ने मुझे बचाया तो मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है। तो वो आपका एक स्टैमिना होता है सर्टेन टाइम के लिए, तो वो कभी कभी बिल्कुल ख़त्म हो गई, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी रुक जाती है लोगों की बातों से। तो मैंने कभी उस जगह पे अपने आप को स्टॉप नहीं होने दिया। उसका रीज़न ये था कि मुझे डे वन से ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि ये टांगें तो बेजान हो चुकी हैं, अपने दिमाग को खुद को बेजान नहीं करना। तो वहाँ से मैंने जब वो लोगों को बातें कर रहे होते थे, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ रोमेला से खास तौर पे, बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच आई एक्चुअली टेल ऑल ऑफ यू। होता ये है कि हमारी बॉडी जो है वो हमारे माइंड को रिएक्ट कर रही होती है। अब मसलन अगर हम शोल्डर्स ड्रूप करें तो हमारे आसपास वाले क्या कर रहे होते हैं, किसी ने कहा है मेरा तेरे बॉस अच्छा नहीं है या तेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो लोग बेचारा वो नीचे गया और बेचारा और नीचे गया हाय बेचारा और नीचे। अब उसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी नेगेटिव हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। होना ये चाहिए कि यार क्या हो गया, मूव आउट, लेट्स हैव फन, लेट्स गो आउट वॉच अ मूवी, लेट्स डू एनीथिंग यू वांट टू डू, बट कम आउट ऑफ दिस थिंग बाई चेंजिंग दैट फिजियोलॉजी। तो इसलिए जब लोग ये बातें कर रहे होते हैं तो आप वो लोग जो नीचे के साथ नीचे जा रहे होते हैं ना, वो एक्चुअली वो बेचारे आपको नीचे नहीं पुल कर रहे होते, वो अपनी कमी को आपके अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं। वो अगर आप वही परसीव करेंगे तो आप ऐसा बन जाएंगे। इवन वो आते थे मेरे पांव देखते थे टांगे उठा के, तो मुझे बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन लगती, मैं हंसती थी इस बात पे। काफ़ी देर मैं अपनी फैमिली के साथ बैठ के उनका मजाक उड़ाती थी। अगर मैं उनकी बातों को बहुत सीरियस लेती तो आज रोमेला यहाँ पे ना होती। तो वो रोमेला 2005 के बाद ही मर जाती। काफ़ी लोग जो उस डिज़ास्टर में जिनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज हुई तो वो डेथ की तरफ चले गई ऑन द बेस ऑफ के उन्होंने खुद को एक्सेप्टेंस के लेवल पे नहीं लाया। या एक मैं ये समझती हूँ कि किसी भी हादसे से जब आप गुजरते हैं ना तो आपको ये अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि अल्लाह ने आपको इस काम के लिए, इस मकसद के लिए चुन लिया है। Absolutely, उसके बाद लोग तो कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं करते। फ्रॉम माई एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट तक मैंने जो चैलेंजेस फेस किए और ऐसी ऐसी बातें मैंने अपने बारे में सुनी थी कि किसी गुनाह का नतीजा है ये, इसने कुछ ऐसा किया होगा। आई वॉज 16 एट दैट टाइम, तो मुझे इतना ज़्यादा कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी अच्छाई बुराई की। हम लोग बच्चों की तरह खेलना कूदना उछलना और ऐसी लाइफ थी। और जब मैं व्हीलचेयर पे आई तो मुझे लगा कि मेच्योरिटी का एक दौर स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैं बहुत कम एज में मेच्योर हो गई थी, क्योंकि मुझे उस चैलेंज को फेस करना था। लोग आपकी तकलीफ को नहीं समझते। एक दीवार के सामने आपका बेड लगा है, एक कमरा बंद कमरा, सफ़ेद दीवारें हैं, दिन रात आपके पास सोचने के लिए क्या है? आपकी मेरी बहनों की डेथ हुई, मैंने वापस उस गांव में जाना है जहाँ पे मेरा घर ख़त्म हो गया, मेरी फैमिली मुझे कैसे सपोर्ट करेगी? मैं दिन रात ये सोचती थी कि मैं अगर मैं इसी तरह से रही तो वो लोग मुझे तो क्या मतलब, मैं उनके ऊपर बोझ बन जाऊँगी, वो अब मुझे फेंकेंगे नहीं, वो मुझे साइड पर नहीं करेंगे, लेकिन मैं कैसे सिचुएशन से निकलूँ? तो वो मैंने रास्ता ढूंढना था, मैंने सोचना था। और ऐसे ऐसी नेगेटिव बातें होती थी कि मैं कभी कभी बैठ के हंसती भी थी और परेशान भी होती थी कि क्यों अल्लाह ने इनको क्या इस काम के लिए चुना है कि ये दूसरों को डिमोटिवेट करें। तो उस टाइम पे भी मैं सोचती, मैंने कहा कि अल्लाह हैज बीन चूजन देम फॉर देयर पर्पस और मेरे लिए अल्लाह ने ये रास्ता चुन लिया, तो मैंने अपनी डायरेक्शन को उनकी वजह से खराब नहीं होने, मेरे लिए अल्लाह ने ये रास्ता चुना। ये वही बात है यार जो मैं आप सबसे रोज करता हूँ, हर सेशन में अपनी हर ट्रेनिंग में ये बात करता हूँ कि हम सबको अल्लाह सुब्हान तआला ने किसी ना किसी मकसद के लिए चुना है, और उसको मेरी आपकी ज़रूरत नहीं है, वो हम जैसे हज़ारों को ख़त्म करके लाखों करोड़ों ला सकते हैं। तो ये हमारी खुशकिस्मती और उसका एहसान है कि वो हमें चुन रहा है, हमसे ये काम ले रहा है। आज रोमेला अगर यहाँ बैठ के काम कर रही हैं, हमारे पास टाइम चूँकि बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। लेट्स सिनोरा की कंपनी क्या काम कर रही है?
अच्छा और आप अकेली हैं बल्कि ये बताइएगा आप अकेली हैं या फिर कंपनी क्या काम कर रही है नहीं मेरे हम तीन को फाउंडर हैं इसके अंदर माय सिस्टर शी इज द को फाउंडर मेरी दोस्त हैं इसी तरह हम सिद्धरा को ले सकते हैं कैमरे में अब तो आप वो वैसे लाइव जा रही हैं इसलिए मेरे यहाँ से शी कांट मूव नहीं वो तो हम यहाँ से अपना कैमरा मूव करते हैं ना अगर सिद्धरा हमें इजाजत दे ये सब सुन रहे हैं आप सिद्धरा नहीं आना चाहती सिद्धरा जो है ना वो थोड़ी सी कैमरा सोच रही है कि कैमरा के सामने कैसे जाए सो इवन के वेन वी स्टार्टेड वी वर थ्री पीपल इन द कंपनी और एक स्टार्टअप हमारा आइडिया था तो इसको बेसिकली स्टार्ट करने का पर्पज यही है कि हम जो है ना डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज पाकिस्तान में होती हैं लर्निंग प्रोग्राम्स हैं ट्रेनिंग होती हैं लेकिन उन लोगों को ये नहीं सिखाया जाता कि यू आर नॉट द बर्डन ऑन द सोसाइटी आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं अपने आप को यूटिलाइज करें इन अ डिफरेंट वे रोमेला अगर घर से निकली तो उसके साथ उसकी फैमिली ने उसको एजुकेट करने तक तो हेल्प किया आगे एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे मैं कैसे ही मुझे पता है मैंने वहाँ पे क्या फेस किया उन रिजेक्शंस को उन फेलियर्स को कैसे मैंने हैंडल किया मुझे पता है तो वाई नॉट कि हम उन लोगों को जो घरों में महदूद हो गए लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से या अपने आप को समझते हैं डिसेबल्ड का वर्ड यूज़ करें अपने लिए कि हम कुछ नहीं कर सकते इवन नॉन डिसेबल्ड कम्युनिटी चलते फिरते लोग जो हैं वो खुद को समझते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते तो SMT सेल्फ मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो स्टार्टअप है बेसिकली हमारा जो एम है कि हम रिजिलियंस एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड करें अमंग द कम्युनिटीज और उन लोगों को सपोर्ट करें जिनको निगलेक्ट किया जाता है ऑन द बेस ऑफ जेंडर इन द वर्ड डिसेबिलिटी मैं उनको कहती हूँ डिसेबिलिटी इज अ वर्ड बट यू हैव अ डिफरेंट लाइफस्टाइल जिंदगी मुख्तलिफ है ना एब्सोल्युटली जिस तरह मैं जो लोग मुझे जानते हैं मैं हमेशा यूज करता हूँ कि स्पेशली एबल सो वी ऑल अच्छा मैं मजे की बात बताऊँ मेरा मैं जिस तरह आपसे भी बात भी हो रही थी मैं पाकिस्तान डिसेबल्ड टीम सो कॉल्ड डिसेबल्ड टीम को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया और उस रूम में मैंने जो कुछ देखा और मेरे वो ऑनलाइन मेरे सेशन में पड़ा हुआ पूरा सेशन यूट्यूब पर मेरा मैंने उनको एंड में शुक्रिया अदा किया बिकॉज दे एक्चुअली मोटिवेटेड मी बिकॉज दे वर मोर एबल देन व्हाट आई थॉट आई वाज आई हैड माय डिसेबिलिटीज मैं और आप हम चलते फिरते डिसेबल्ड हैं स्ट्रेस है डिप्रेशन है ये नहीं हो रहा है मेरी जिंदगी है यार दीज आर योर मेंटल डिसेबिलिटीज एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे कहना चाहूंगी हमारी जिंदगी डबल ट्रबल का शिकार है ठीक है घर से उठना वॉशरूम तक एक्सेस करना वॉशरूम एक्सेसिबल नहीं है जी वॉशरूम में कैसे जाएंगे अम्मा की हेल्प चाहिए फलाकी चाहिए एक बिहेवियर प्रॉब्लम आपको फेस होता है फिर आपको ड्रेस चेंज करना है आप जैसे आप व्हील चेयर पे हैं किसी एक्सीडेंट की वजह से आप व्हील चेयर पे आके कैसे ड्रेस चेंज करेंगे ड्रेस चेंज किया एक घंटा उसमें लग जाता है आपकी सेल्फ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होती है फिर आप घर से निकलेंगे मैं गाड़ी में शिफ्ट करती हूँ खुद से मैंने ड्राइवर को बताना होता है व्हील चेयर को कैसे फोल्ड करना है फिर वहाँ से हम एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं तो प्रॉब्लम हमारी डबल है आपने किसी भी ऐसे बंदे को जो देख नहीं सकता सुन नहीं सकता या चल नहीं सकता आपने उसका मोटिवेशन का लेवल बहुत ऊपर देखा होगा हम गिरते उठ जाते हैं गिरते उठ जाते हैं हमें पता है कि ज़िंदगी हमारे लिए मुश्किल ही रहनी है लोगों ने अपने स्टैंडर्ड सेट कर दिए हमारे लिए तो क्यों ना कि हम उनको ये बताने के बजाय कि हम लोग बस सिर्फ व्हील चेयर पर होने की वजह से बाउंड हो गए रिस्ट्रिक्ट हो गए नहीं हम आगे जा सकते हैं गिरेंगे तो कोई बात नहीं दोबारा उठेंगे तो वो लोग जो चल फिर रहे वही बात हमने जो पहले की कि फबिया ये आला है रबी घुमा तो कसी पान तो क्यों उन नियमतों को झुटला के हम लोग बस सरकशी के आलम में घूम रहे आपने इतनी प्यारी रोमेला ने बात की है कि हम गिरते हैं उठते हैं मेरी जो सक्सेस टॉक्स मैंने आपसे बात करता सक्सेस टॉक्स मेरी बुक है जिसपे मैं काम कर रहा हूँ और उसका टॉपिक है उसी के ऊपर मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ सक्सेस टॉक्स व्हाई नॉट टू फेल ठीक है इनफैक्ट लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन हाउ डू यू व्हाट इज सक्सेस एंड व्हाट इज फेलियर For me, success By the way, sorry, मैं यहाँ बता चलूँ रोमेला ने मुझसे शुरू में पूछा था सर आप क्या पूछेंगे And they are all will come as surprise. Surprise, surprise. अच्छा जी What is success? It's a normal question for me. Basically, मेरे लिए कामयाबी ये है कि जब तक आप reject नहीं होंगे जब तक आप जिंदगी में कोई ऐसी rejection, failure, discrimination नहीं देखेंगे जब तक आप अपने आप को मौत के करीब नहीं देखेंगे किसी हादसे के बाद कोई भी ऐसा इंसिडेंट व्हेन लव्ड वंस आर टेकन बाय डेथ तो उसके बाद उस लाइफ को स्ट्रगल के साथ गुजारना एक स्टेज पे जाना नॉट अ विक्टिम एज अ सर्वाइवर तो मेरे लिए कामयाबी ये है कि ज़मीन से उठ के आसमान पे जाना लेकिन वो ज़मीन से उठ के आसमान पे जाना शुक्रगुजारी के साथ ग्रेटिट्यूड के साथ और उन सक्सेस के साथ उन लोगों को साथ लेके जाना सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट विनिंग अ नंबर विनिंग अ मनी कैश या कोई भी प्राइज
फॉर मी कि आप फेलियर से स्टार्ट करें. आपने जो अब तक ज़ाया कर दिया उसके बाद जो आप सक्सेस की तरफ जाएंगे या कोई चीज़ अचीव करेंगे, दैट्स द रियल सक्सेस फॉर मी. एंड व्हाट इज फेलियर? फेलियर तो मेरी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा हिस्सा रहा है, क्योंकि हम लोग फेलियर के लिए टर्मिनोलॉजी सेट करते हैं ना कि एग्ज़ाम दिए, पास नहीं हुआ, फेल हो गया, टेस्ट दिया. फेलियर इज़ अ वर्ड वो जो दिमाग में बैठ जाता है, ठीक है. लेकिन मैं ये समझती हूँ कि फेलियर कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं है. रुकावटें हैं, छोटी छोटी मुश्किल हैं, तो वो उनको क्रॉस करना है. और मेरे एक मेरी कोटेशन बड़ी पिछले दिनों वायरल भी हुई थी, और जिसमें मैंने कहा था कि इन लाइफ आई हैव ऑलवेज लर्न्ड, आई हैव नेवर फेल्ड. ठीक है, सो फेलियर जो है ना वो मेरे नज़दीक, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि बेटा आपने ये वर्ड यूज़ किया है कि फेलियर जो है ना वो नथिंग एल्स, इट्स अ माइंड ब्लॉक. एंड गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में. वो जो गिर, वो है ना जहाँ में एक शेर मुझे याद आ गया, आपकी आपने जुमला बोला था ना कि हम गिरते हैं खड़े होते हैं, गिरते हैं खड़े होते हैं, उसमें मुझे एक जुमला, एक शेर याद आ गया कि जहाँ में अहले ईमान माने दे खुर्शीद जीते. खुर्शीद कहते हैं सूरज को, आजकल जैसे ना बच्चों को शायरी थोड़ी सी कम पता चलती है. तो जहाँ में अहले ईमान माने दे खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले. तो वो इधर का फेलियर था तो उधर की सक्सेस थी, उधर का फेलियर था तो इधर की सक्सेस थी, अगर हम फेलियर वर्ल्डली टर्म में बात करें तो. रोमेला, अपने आप को कहाँ देखते हो बेटा आज से, लेट्स से 5 years from now? अच्छा, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इवन स्टार्टअप से भी पूछा जाता है. इसीलिए मैंने पूछा, आप स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो आई हैव नेवर प्लान एनीथिंग इन माय लाइफ. कभी मैंने कोई प्लानिंग नहीं की. सडनली चीज़ें मेरे साथ होती हैं, लेकिन ये कि मैं पॉजिटिव बहुत ज़्यादा सोचती हूँ कि मैंने अच्छा अगर ये करना हुआ तो कैसे होगा. अभी तक जो मेरी लाइफ में जितनी भी सक्सेस आई है, कोई जिसको हम फेलियर कहते हैं या रिजेक्शन या कुछ भी था, सो अल्लाह जो है उन्होंने प्लान किया था, मुझे नहीं पता. अगले 5 साल के अंदर कुर्सियाँ गुजर रही हैं, यहाँ पर एनएस में इवेंट हो रहा है असल में, तो हम इवेंट का फ़ायदा उठा रहे हैं. सो मैं अपने आप को इंशाल्लाह ताला जो मेरा स्टार्टअप है उसको नेशनल लेवल का ट्रेनिंग सेंटर देखना चाहती हूँ. अगर मेरा ट्रेनिंग सेंटर बनेगा और लोग बाकी जो हमारी एक मार्जिनलाइज ग्रुप है या वल्नरेबल पॉपुलेशन. सॉरी एक सेकेंड, मुझे एक एतराज़ है आपके जुमले में. जी, ये लफ्ज अगर हटा दो, बनेगा इंशाल्लाह. क्योंकि जो अगर है ना वो डाउट है. डाउट इज द किलर. डाउट है इंसान को अल्लाह से दूर ले जाता है, डाउट है इंसान को एंड से दूर ले जाता है. इट्स नॉट अबाउट द डाउट, लेकिन बेसिकली मैं आपको जैसे अभी मैंने बताया कि आई हैव नेवर प्लान्ड एनी फाइन, दैट्स परफेक्ट. रिमूव द वर्ड अगर. मैं ये इसलिए इतना बड़े स्ट्रांगली कन्विक्शन से और बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि जब आप अगर कहेंगी ना तो मगर साथ आएगा, मगर साथ आएगा. ट्रू. प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में जानती हो क्या होती है? जी, क्या होती है कि आपने आज का काम अभी करती हूँ, ये करूँगा, ये करती हूँ, आप तो अभी करते हैं. तो इब्ने कय्यिम फरमाते हैं कि हर एक अच्छाई की सोच या अच्छाई के काम के साथ शैतान का काश और कल, ये दो साथ आ जाते हैं. ठीक है, सो इसकी मैं एग्जांपल दिया करता हूँ. सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुदस्सिर पढ़ें तो क्या लिखता है, या अय्युहल मुदस्सिर कुम, अल्लाह क्या कह रहा है, डू इट नाउ, कुम, खड़े हो जाओ, गेट अप, नाउ इट्स टाइम टू वर्क. सो हम लोगों का जो टाइम टू वर्क है ना वो है, हो चुका है. जहाँ पर हम अगर को लेकर आएंगे, सॉरी मैं जानता हूँ कि आप लोग इसको समझना चाहते हैं रोमेला को, लेकिन ये पॉइंट मैंने इसलिए रोमेला को बताना जरूरी समझा, बिकॉज आई फेल्ट फील. और बाय द वे रोमेला, आई डोंट नो कि आप मुझे इसका वजह समझोगे या नहीं, आई एम विद यू इन दिस मिशन. ठीक है, तो आपकी ट्रेनिंग में कहीं मेरी जरूरत हो, आपके ट्रेनर्स को ट्रेन करने की जरूरत हो, मैं ऑन लाइव भी एक बार रिकॉर्ड पे गया हूँ, कल को आप मुझे कैच कर सकती हूँ. रिकॉर्डिंग चला रही हूँ सर, बिल्कुल ऐसी बात है. अगर मगर के लिहाज ही हैं जो हमें कहीं ना कहीं, जिस रोमेला ने इतना कुछ अल्लाह के हुक्म से कर दिया, उसकी जिंदगी में अगर होता तो ये ना कर रही होती. बिल्कुल ऐसा है. अगर मैं व्हील चेयर पे बैठ सकी, अगर मैं व्हील चेयर से खड़ी हो सकी, अगर मैं कपड़े बदल सकी, अगर ये अगर होते, अगर होते तो मगर कुछ भी ना होता, कुछ भी ना होता. सही बात है. दबाया मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता. ठीक है, सो ओके, अब हम अगर से निकल के बताएंगे, सो मगर की तरफ नहीं, हम वी विल डू. मेरा जो टैग लाइन, मेरी जो टैग लाइन है, मेरी जो टैग लाइन है ना वो है स्टॉप ट्राइंग स्टार्ट डूइंग. तो आप माशाल्लाह कर रही हो. आज अगर आप ऐसी में आप बैठे हो तो
ये इस बात का सबूत है कि NIC has faith in you, in your program, in your venture. Yeah, true. ठीक है? True story. So अगर वो faith उनको है, let's do it. Yes. People of Nike, just do it. वो कहते हैं ना, Nike का slogan. Yeah, yes. तो मैं हमेशा ये बताता हूँ कि ये इसकी logical reason है, being a mind scientist. Yes. Okay. सॉरी जी मैंने ज़्यादा रोक दिया इसको, देखते हैं अब ये क्या कह रहे थे. ओके सो आपका जो है ट्रेनिंग सिर्फ आपने स्पेशल लोगों को करानी है, क्योंकि यहाँ तो दुनिया में हर आदमी स्पेशल है. नहीं, फोकस हमारा सिर्फ उन लोगों पे नहीं है, हम इंस्टीट्यूशन, मैंने आपको जैसे बताया था इट्स बी टू बी मॉडल, तो हम लोग थ्रू इंस्टीट्यूशन ट्रेन करते हैं, उसमें हमारे जो नॉन डिसेबल कम्युनिटी भी आ जाती है. एक फैमिली को पता होना चाहिए कि जब बच्चा किसी हादसे से गुजरता है, वो व्हीलचेयर पर आ जाता है, तो उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और उसके बिहेवियर को कैसे सेट करना है, उनको डिप्रेशन से कैसे निकालना है. और जो नॉन डिसेबल कम्युनिटी में टीचर्स भी आ जाते हैं, आपके एम्प्लॉयर आ जाते हैं, उनको रीजनेबल अकोमोडेशन का नहीं पता. टीचर्स को बेसिकली हम लोग एक पिलर समझते हैं इस तरह के लोगों को आगे लेके जाने में, क्योंकि बिहेवियर अगर उनका पॉजिटिव होगा तो मेरे ख्याल से Do you think कि आपके साथ हमदर्दी से बात होनी चाहिए? नहीं, हमदर्दी सिंपैथी का लफ्ज तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट तो वैसे भी, रिस्पेक्ट एंड काइंडनेस, काइंडनेस तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है. रिस्पेक्ट तो एक लड़की होने की हैसियत से और फिर एक इंसान होने की हैसियत से वैसे ही होनी चाहिए. जेंडर एवरीवन, मतलब रिस्पेक्ट लड़की और ऊपर से इंसान होने की हैसियत से वैसे ही होनी चाहिए ना, रिस्पेक्ट तो देनी चाहिए. तो जब लोग सिंपैथाइज करते हैं वो बेचारी, बेचारा बेचारी, तो आई थिंक एक छोटी सी बात यहाँ पे शेयर करूँ कि टाइम हमारे पास लिमिटेड है, तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इस्लामाबाद किसी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो गुजरते हुए लोग अस्तगफिरुल्लाह कह के गुजर जाते हैं, तो मैं उनको मुड़ के देखती हूँ कि किस टाइप का ये बंदा है. तो कुछ नहीं होता, ये इट्स द बेसिक माइंडसेट एंड यू नीड टू अवेयर द सोसाइटी एज़ वेल. देखो मैं भी स्पेशल लोगों के साथ डील करता हूँ, बिकॉज़ आप फिजिकली स्पेशल हो, मैं मेंटली स्पेशल लोगों के साथ कर रहा होता हूँ, बिकॉज 99% पीपल आई मीट they are mentally disabled. 99% I'm saying. True. हर एक किसी ना किसी disability में है. क्या मैं ऐसा ही हूँ? आजकल लड़कियाँ जो हैं वो इस पे के जी, बल्कि पहले लड़कियाँ होती थी, अब लड़के भी, कि हमने गोरे होना है. गोरा काला होना चाहता है, काला गोरा होना चाहता है, ठीक है? पतला मोटा होना चाहता है, मोटा पतला होना चाहता है. सो वो ये जो ना, ये सारी मेंटल डिसेबिलिटीज हैं, हम सब में कोई ना कोई डिसेबिलिटी है, कॉम्प्लेक्सेज हैं. एक्सीलेंट. रोमेला कोई बात आप यहाँ ऐड करना चाहूँगी, बिकॉज आई नो कि इवेंट आप लोगों का शुरू होने वाला है. बस मैं ये कहना चाहूँगी कि अपनी महरूमियों को अपना अपना कमज़ोरी ना बनाए, अपनी फेलियर उसको सेट ना करें. अल्लाह ने हर इंसान की ज़िंदगी को डिफरेंट तरीके से लिखा है, उसको गुजारना, उसको दूसरों के लिए आप यूटिलाइज करें. अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए कोई भी नहीं जीता. और अपने इर्द गिर्द अपने रिलेशन की कदर करें, अपने पेरेंट्स की और अपनी फैमिली को स्पेशली फोकस करें. चैरिटी बिगेन एट होम, आप घर से बाहर निकल के जितना भी अच्छा काम कर लें, इफ़ यू आर नॉट गुड टू योर फैमिली देन मेरे ख्याल से फिर आप कुछ भी अच्छा नहीं कर रहे. पॉजिटिव सोचें, अल्लाह पे यकीन रखें और कुछ भी नामुमकिन नहीं है. एक्सीलेंट. और मैं इसको थोड़ा सा यहाँ लेके आता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, ये रोमेला को अल्लाह ताला ने जो एबिलिटीज दी हैं वो इसी जगह पर बैठ के इसी कुर्सी पर दी हैं. और रोमेला, मेरा ये ख्याल है, यू माइट बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर दिस क्वेश्चन, कि जो रोमेला इस हादसे से पहले थी वो रोमेला इस हादसे से बिल्कुल बदल गई होगी, क्या ये ट्रू है? बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो छोटे छोटे ख्वाब थे मेरे और मुझे ऐसा लगता था कि मेरे वो ख्वाब ख़त्म हो गए, लेकिन जब ये हादसा हुआ तो अल्लाह ने ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी दी. कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर डाल दी, कुछ लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे जैसे लोग जो हैं उनको उस मुश्किल से निकालना. तो अल्लाह इज़ द बेस्ट हेल्पर इन डिसाइडर के वो जो चाहता है बेहतर ही होता है. एब्सोल्युटली. एंड विद दिस जी, थैंक यू वेरी मच रोमेला बेटा, आपने हमें टाइम दिया. और मोहम्मद अली साइनिंग ऑफ. गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. खुदा हाफिज़. अब हम करते हैं.